उदयपुर जिले के गोगुंदा बार एसोसिएशन के चुनाव न्यायालय परिसर में वर्ष 2024 की कार्यकारिणी के लिए गुरुवार को निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें लगातार दूसरी बार कमलेश शर्मा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह झाला ने बताया कि गोगुंदा बार एसोसिएशन के सभी पदों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कमलेश शर्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लक्ष्मणपुरी गोस्वामी, महासचिव शिवशंकर जोशी, सचिव बंसीलाल तेली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण पालीवाल व पुस्तकालय सचिव पर घनश्याम पालीवाल को निर्विरोध चुना गया, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं द्वारा माला पहना गुलाल लगाकर स्वागत किया गया और मुंह मिठा कराया गया और बाईपास स्थित हनुमान जी मंदिर पर पहुंचे, जहां हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष खुशाल सिंह राणावत, युवराज सिंह बाघेला, ओम प्रकाश भोई, कुमार सिंह राव, राम प्रकाश पांडे, महेंद्र पालीवाल, रमेश पालीवाल, चेतन वैष्णव, हितेश आचार्य, दुर्गा शंकर पालीवाल, मांगीलाल तेली, श्रवण कुमार जोशी, मांगीलाल पालीवाल, देवेंद्र चौधरी, हीरालाल वीरवाल, महिला अधिवक्ता रेखा पांडे व भगवतीलाल तेली सहित बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मौजूद रहे। एक सा धन्यवाद धन्यवाद गोगुंदा में वर्ष 2024 की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें जनरल हाउस की मीटिंग आहूत की गई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित सदस्य अधिवक्ता गणों ने सर्वसम्मति से जो वर्ष 2023 की कार्यकारिणी थी उसको पुनः वर्ष 2024 के लिए यथावत रखने का निर्णय लिया, जिसमें पूर्वानुसार पूर्व अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार जी शर्मा, उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मणपुरी जी गोस्वामी और महासचिव श्री शंकर जी जोशी, सचिव बंसीलाल जी तेली, पुस्तकालय सचिव घनश्याम जी पालीवाल और कोषाध्यक्ष लक्ष्मण जी पालीवाल को मनोनीत किया गया। इसी के साथ मनोनीत सदस्य में नरेंद्र सिंह झाला, ओम प्रकाश भोई, कुमार सिंह राव, कुशाल सिंह जी राणावत, हितेश जी आचार्य, दुर्गा शंकर जी पालीवाल को सर्वरत सदस्य मनोनीत किए गए। कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न होने के बाद, नई कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद में बाईपास गोगुंदा पर हनुमान जी के स्थित मंदिर पर सभी अधिवक्तागण पहुँचे। और लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।